भारत की एक प्रमुख इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक आपका स्वागत करती है। हीरो इलेक्ट्रिक को चुनकर आपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत अच्छी पहल की है, साथ ही ये इलेक्ट्रिक बाइक आपके पैसे भी बचाएगी। इलेक्ट्रिक बाइक का मैकेनिज्म और कंट्रोल पेट्रोल इंजन बाइक से काफी अलग होता है। आप इलेक्ट्रिक बाइक की सुविधाजनक सवारी करें उसके लिए कुछ बातों का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं बाइक के मैकेनिज्म और कंट्रोल के बारे में। ये हीरो इलेक्ट्रिक का निक्स मॉडल है जिसके कई और वेरिएंट हैं, जैसे सिंगल बैटरी और डबल बैटरी। ये एक सिटी स्पीड बाइक है। ज्यादातर शहरों में बाइक्स की एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती है। जितने वक्त में आप ज्यादा पैसे खर्च करके पेट्रोल बाइक से दूरी तय करेंगे, उतनी ही दूरी को उतने ही वक्त में आप कम पैसे खर्च कर इलेक्ट्रिक बाइक से कवर कर सकते हैं। ये डबल बैटरी वाली बाइक है। पहली बैटरी इसके अंदर है और ये है दूसरी बैटरी। पहली बैटरी को आप निकाल नहीं सकते, जबकि इस दूसरी बैटरी को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये स्विच बैटरी 1 से बैटरी 2 पर शिफ्ट करने के लिए है। अगर ये स्विच ऑफ है तो आपका व्हीकल बैटरी नंबर 1 से चलेगा, अगर ऑन है तो बाइक बैटरी नंबर 2 से चलेगी। ध्यान रखें, अगर आप डबल बैटरी वाली बाइक को सिंगल बैटरी लगाकर चलाना चाहते हैं तो बैटरी को बैटरी 1 वाले कनेक्टर में लगाएं और बैटरी शिफ्टिंग स्विच को ऑफ रखें। ये बहुत जरूरी है, वरना बाइक नहीं चलेगी। ये इग्निशन लॉक कॉम्बी सिस्टम है। इसके द्वारा बाइक को ऑन ऑफ और लॉक करते हैं। अगर बाइक को लॉक करना है तो चाबी को अंदर की तरफ दबाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, और जब बाइक को अनलॉक करना हो तो चाबी को अंदर की तरफ दबाकर क्लॉकवाइज घुमाएं। इसी तरह जब बाइक ऑन करनी हो तो बिना दबाए क्लॉकवाइज घुमाएं, और जब ऑफ करनी हो तो बिना दबाए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ये क्लस्टर है, जिसे आप आम भाषा में स्पीडोमीटर भी कहते हैं। बैटरी कितनी चार्ज है, बाइक की स्पीड, ट्रिप डिस्टेंस और बाइक कुल कितने किलोमीटर तक चल चुकी है, ये सब बताता है। ये इंडिकेटर स्विच है, ये हेडलाइट स्विच है, ये अपर डिपर स्विच है, ये मोबाइल चार्जिंग कनेक्टर है। बाइक को ऑन करके इसके द्वारा मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ये दोनों ब्रेक लीवर पहियों में ब्रेक लगाने के साथ ही पावर कट ऑफ का भी काम करते हैं। अगर आप इन दोनों को या किसी एक को भी दबा कर रखेंगे तो मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई जाना बंद हो जाएगी और मोटर नहीं चलेगी। इसलिए जब बाइक को चलाएं तो इन दोनों में से किसी को भी ना दबाएं। ये चार्जिंग कनेक्टर है। अगर सिंगल बैटरी की बाइक है तो ये एक होगा, अगर डबल बैटरी की बाइक है तो ये दो होंगे। ये सिंगल बैटरी की बाइक है, इसके अंदर सिर्फ एक कनेक्टर है, और ये डबल बैटरी की बाइक है, इसके अंदर दो कनेक्टर हैं, और इस पर बैटरी 1 और बैटरी 2 लिखा हुआ है। ये सीट लॉक है। चाबी से इस तरह से घड़ी की दिशा में घुमाकर आगे की सीट को खोलते हैं। ये MCB है। अगर बाइक में किसी तरह का इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो ये ऑफ हो जाती है। पीछे वाली सीट को इस तरह से उठा सकते हैं। अब इस सीट को नीचे करने के लिए पहले सीट को ऊपर की तरफ उठाएं और फिर नीचे करें। हीरो इलेक्ट्रिक बाइक की सवारी करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आइए अब इस इलेक्ट्रिक बाइक की सवारी कैसे करें जानते हैं। सवारी करने से पहले हेलमेट पहन लें, जो सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। इलेक्ट्रिक बाइक को मेन स्टैंड पर खड़ी करके सबसे पहले चाबी को घड़ी की दिशा में घुमाएं। गाड़ी को ऑन करके बैटरी चार्जिंग स्टेटस चेक करें और ऑफ कर दें। इसके बाद मेन स्टैंड से उतारकर पहियों में हवा का दबाव और ब्रेक फंक्शन सुनिश्चित करें। फिर एक हाथ से ब्रेक दबाएं और दूसरे हाथ से चाबी से बाइक को ऑन करें। ब्रेक को छोड़ दें और धीरे धीरे थ्रोटल यानी एक्सीलेटर को घुमाएं और सवारी का आनंद लें। इस तरह से आप इस इलेक्ट्रिक बाइक को आसानी से चला सकते हैं। आइए अब हम उन बातों को जानते हैं जिससे बैटरी और बाइक लंबे समय तक हमारा साथ देगी और अच्छा परफॉर्म करेंगी। बैटरी को पानी या तरल पदार्थ से भीगने से बचाएं और हमेशा आग और ज्वलनशील सामग्री से दूर रखें। बैटरी को सीधे धूप में और गर्म स्थान में ना रखें। बैटरी को ना पटकें, ना फेंकें और ना ही उस पर किसी तरह का भार डालें।
और ध्यान पूर्वक बैटरी को उठाया करें। लंबी यात्रा के तुरंत बाद बैटरी को चार्ज करने से बचें। केवल हीरो इलेक्ट्रिक द्वारा दिए गए चार्जर का ही इस्तेमाल करें और जिस बाइक के साथ जो चार्जर आया है उस बाइक को केवल उसी से चार्ज करें। आप बैटरी का उपयोग करें या नहीं, 15 दिनों में एक बार बैटरी चार्ज जरूर करें। जब भी 4 दिनों से ज्यादा समय तक बाइक न चलानी हो तो MCB को बंद कर दें और बैटरी कनेक्टर को अलग कर दें। जब बैटरी को बाइक से बाहर चार्ज कर रहे हों तो बैटरी को हवादार क्षेत्र में रखें। अच्छे प्रदर्शन के लिए बैटरियों को जितना हो सके ठंडा रखा जाना चाहिए। बैटरी पे लगे हुए स्टिकर ना हटाएं। गाड़ी चलाने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि बैटरी चार्ज हो। बाइक को धोते समय बैटरी को निकाल लें और इलेक्ट्रिक पार्ट्स भीगने ना दें। बाइक को नियमित रूप से साफ करें और हल्के पानी से धोएं। बाइक पे रिकमेंडेड लोड से ज्यादा लोड ना दें। ये एक सिटी स्पीड बाइक है, इसलिए हमेशा हाईवे पर सेफ लेन में ही चलें। निर्देश के अनुसार सॉकेट से चार्जर की तार को आराम से निकालें और लगाएं। सुनिश्चित कर लें कि दोनों तरफ चार्जर सॉकेट ढीला ना हो। अगर आउटपुट सॉकेट ढीला होगा तो चार्जर में आपको सिर्फ हरी लाइट जली दिखेगी। अगर AC यानी इनपुट सॉकेट ढीला होगा तो चार्जर में कोई लाइट नहीं दिखेगी। हर एक चार्जर में ऑटो कट ऑफ सिस्टम है, लेकिन फिर भी 5 घंटे बाद चार्जर को प्लग से निकाल लेना सही रहता है। अपनी बाइक की बैटरी को कैसे चार्ज करें अब ये जानते हैं। बैटरी को 2 तरह से चार्ज कर सकते हैं। पहला तरीका बाइक में लगे हुए ही, दूसरा तरीका बाइक से बाहर निकालकर। अगर बैटरी को बाइक में लगे हुए ही चार्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि AC स्विच बंद हो। फिर चार्जर के इनपुट प्लग को AC सॉकेट में लगाएं। इसके बाद आउटपुट कनेक्टर को बाइक में लगे चार्जिंग कनेक्टर में लगाएं। कनेक्टर को लगाते समय कनेक्टर के डायरेक्शन का पूरा ध्यान रखें। अब AC स्विच को ऑन करें, चार्ज शुरू हो जाएगा। ये देखिए LED जलने लगी, इसका मतलब चार्जर ऑन हो गया। अगर LED लाल कलर की ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब चार्जर बैटरी को चार्ज कर रहा है। अगर लाल के साथ हरे कलर में जल रही है, इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। अगर सिर्फ हरी लाइट जल रही है, मतलब आउटपुट कनेक्टर सही से लगा नहीं है। इसी तरह अगर बैटरी को बाहर निकाल कर चार्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले सीट खोलकर इस तरह बैटरी को बाहर निकाल लें। ये बैटरी का चार्जिंग कनेक्टर है। अब इस कनेक्टर में चार्जर के आउटपुट कनेक्टर को लगाकर ठीक वैसे ही चार्ज करें जैसे बाइक में लगी हुई बैटरी को चार्ज किया था। अगर बैटरी फुल चार्ज हो जाए तो सबसे पहले AC सप्लाई स्विच बंद करें। फिर चार्जर के इनपुट प्लग को AC सॉकेट से निकाल लें और फिर चार्जर के आउटपुट कनेक्टर को बैटरी से निकालें। इस तरह से बैटरी को बाइक में लगे हुए और बाहर निकालकर चार्ज कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं अगर अचानक बाइक चलना बंद हो जाए तो क्या करें। सबसे पहले डिस्प्ले को देखें, डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा तो MCB चेक करें। अगर ऑफ है तो उसे ऑन कर दें। अगर ऑन है तो बैटरी कनेक्टर चेक करें। अगर लूज है तो सही से लगा दें। अगर डिस्प्ले आ रहा है तो बैटरी चार्जिंग स्टेटस देखें कि बैटरी चार्ज है कि नहीं। अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो बैटरी चार्ज कर लें। अगर बैटरी चार्ज है तो आप ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट स्विच ऑफ हो। इसके बाद ब्रेक लाइट को देखें। अगर स्विच ऑफ होने के बावजूद ब्रेक लाइट जल रही है तो दोनों ब्रेक लीवर को चेक करें कि वो ओरिजिनल पोजीशन पर है कि नहीं। अगर नहीं है तो ओरिजिनल पोजीशन में कर दें। अगर है तो कृपया ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से संपर्क करें। धन्यवाद।